गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र के भबौरा में नशे में धुत बोलेरो चालक ने अपनी तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो से जत्थे में जा रहे कांवरियों को रौंद दिया। घटना में दो बाल कांवरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक कांवरिया बुरी तरह घायल हो गया। इसके अलावा कई कांवरिये मौत से बाल बाल बचकर डर का शिकार हो गए और बीमार हो गए। सभी को तत्काल सैदपुर सीएचसी लाया गया, जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं एक घायल को रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची खानपुर व सैदपुर थाने की फोर्स सहित सीओ शेखर सेंगर ने घायल व प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की। बता दे, अमेंदा गांव से करीब एक दर्जन कांवरियों का जत्था कांवर लेकर जा रहा था। उसमें अधिकांश लोग 13 से 17 वर्ष के बीच के थे। अभी वो भबौरा में ही पहुंचे थे, तभी आजमगढ़ की तरफ से लहराते हुए आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने कांवरियों को रौंद दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि देखने से लग रहा था कि चालक नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। रौंदने के बाद उसी तरह वो गाड़ी लहराते हुए फरार हो गया। इधर घटना के बाद मौके पर कांवरियों की चीख पुकार मच गई। मुख्यमंत्री द्वारा सुरक्षा के तमाम दावे के बीच एक साथ दो कांवरियों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। देर रात तक क्षेत्राधिकारी अस्पताल में ही मौजूद रहे। बोला सही है उसके कुछ खराब हो जाए।